दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुल्ताना डाकू पकड़ा गया था और जब उसे पकड़ा गया उस समय झोपड़ी में कुल 6 डाकू मौजूद थे। उनमें से सुल्ताना सहित 4 डाकुओं को पकड़ लिया गया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि 2 डाकू बाबू और पहलवान, वो दोनों पुलिस का घेरा तोड़कर भागने में सफल हो गए थे। वो भाग गए थे, निकल लिए थे वो। हालांकि उनके ऊपर फायर किया गया था, लेकिन वो बच गए फायर से और निकल भागे। घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता चलूं कि सुल्ताना डाकू को 23 जून 1923 के दिन गिरफ्तार किया गया था। यानी कि उसकी गिरफ्तारी की जो तारीख थी वो 23 जून थी सन 1923, और हल्द्वानी की जेल में रखा गया था। हालांकि ये जेल अब तो खंडहर में बदल गई है, अब उसका कोई वजूद रह ही नहीं गया है, लेकिन उस टाइम की बड़ी मजबूत जेल मानी जाती थी। और यार, सबसे पहले तो आप सभी मित्रों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज़ को देते हैं और जिम कॉर्बेट साहब की कहानियों को सुनने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको अगला वीडियो जो आएगा वो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आने वाला है कि आप अगर जिम कॉर्बेट फैन हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, और ऐसा आपने पहले कभी किसी से सुना भी नहीं होगा जो मैं सुनाऊँगा। चलिए कहानी में चलते हैं। वैसे तो पता नहीं सुल्ताना डाकू ने कितने लोगों का मर्डर किया था, लेकिन जब उसे मुकदमे के लिए लाया गया तो उसके खिलाफ जो मेन आरोप था वो था जो उसके गिरोह द्वारा लामाचौड़ के मुखिया के एक काश्तकार की हत्या का था। काश्तकार को मारा था ना, जो कहानी में मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा, जब एक पैसे वाली डांसर को लूटने के लिए सुल्ताना डाकू का गिरोह ने जो है वो लामाचौड़ के प्रधान के घर पर धावा बोला था, और वो डांसर तो भाग गई थी लेकिन प्रधान को पकड़ लिया था। और जब प्रधान को मारने के लिए जा रहे थे तो उसको बचाने के लिए उसका एक काश्तकार, उसका एक बॉडीगार्ड सामने आ गया था, और जब वो लठ लेके सामने आया था तो किसी डाकू ने उसे गोली मार दी थी, याद होगा आपको। सुल्ताना डाकू जब जेल में बंद था तो उसने एक दिन फ्रेडी साहब को बुलाया और उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि साहब, नजीबाबाद किले में उसकी पत्नी और उसके बेटे की जो है जिम्मेदारी वो संभाल लें, साथ ही उसका एक कुत्ता जिसे वो बहुत प्यार करता है उसे भी आप पाल लें, मतलब फ्रेडी साहब पाल लें। फ्रेडी साहब ने सुल्ताना डाकू को आश्वासन दिया और उसकी ये मांगें स्वीकार कर ली, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे कुत्ते की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल करूँगा, और ये बात सभी लोग जानते हैं कि फ्रेडी साहब ने अपना ये वचन पूरी तरह निभाया। सुनने में तो ये भी आया था कि वो उसके बीवी बच्चों को लेके इंग्लैंड चले गए थे और बच्चे को वहीं पढ़ाया। खैर, कुछ महीनों के बाद फ्रेडी साहब की तरक्की हो गई थी और वो भारतीय पुलिस सेवा में अब तक के सबसे कम एज के ऑफिसर बन गए थे, यानी कि सबसे कम उम्र के अफसर बन गए थे, जिन्हें महामहिम सम्राट ने CII की पदवी से सम्मानित किया था। CII बहुत बड़ी पदवी होती थी उस टाइम में। फ्रेडी साहब मुरादाबाद में हो रहे एक वार्षिक जो एक पुलिस सप्ताह था उसमें भाग ले रहे थे। इस समारोह में डिनर के लिए स्टेट के सभी पुलिस अफसर जितने भी थे उन सबको इनवाइट किया गया था। जब खाना चल रहा था तो उस टाइम एक स्टीवर्ड, एक वेटर ने फ्रेडी साहब के कान में आके कहा कि उनका अर्दली उनसे बात करना चाहता है। ये जो अर्दली था ये फ्रेडी साहब के साथ उन दिनों से था जब पुलिस फोर्स सुल्ताना डाकू का पीछा करती थी और उसको पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही थी जो नाकाम हो जा रही थी, फिर फाइनली पकड़ा गया था। तो ये हर टाइम ये अर्दली साथ में था। हुआ यूं कि एक शाम के समय अर्दली घूमते घूमते जो है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया, वो यूं ही अपना टहलते हुए चला गया और एक रेलगाड़ी आई और वो खड़े होकर के देखने लगा। लोग गाड़ी से उतर रहे थे और वो यात्रियों को, मतलब ऐसी अपनी तफरी के लिए, अपने टाइम पास करने के लिए यात्रियों को देख रहा था।
अचानक उसकी नजर पड़ी उसके नजदीक में जो डब्बा है उससे दो लोग बाहर उतर रहे हैं। उनमें से एक ने दूसरे से कुछ कहा और दूसरे व्यक्ति ने तेजी से अपना रुमाल निकाला और अपना मुंह रुमाल से ढक लिया, लेकिन तब तक अर्जदी ने उसका चेहरा देख लिया था, उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी। उस व्यक्ति की जिसने अपना मुंह ढका उसकी नाक में कोई चोट चाट लगी हुई थी और उसमें एक रुई का टुकड़ा जो है वो चिपका हुआ था। अपने रुमाल से वो अपनी नाक को छुपा रहा था, ऐसे से छुपा रहा था अपनी नाक को। अर्दली को कुछ शक हुआ और उसने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। ये जो दोनों व्यक्ति थे इनके पास में बहुत सारा सामान था और दोनों लोग जो है वेटिंग रूम के किनारे में, जहाँ पे वेटिंग रूम था उसके किनारे में एक बेंच पड़ी हुई थी, सामान वामान रख के अपना आराम से बैठ गए। इधर अर्दली भी तुरंत फ्रेडी साहब को सूचित करने के लिए भागा वहाँ से। उसने एक इक्का यानी तांगा पकड़ा और फ्रेडी साहब के बैंगलों में पहुंच गया। जब सुल्ताना डाकू के सहयोगी बाबू और पहलवान, मैंने बताया था ना पुलिस के घेरे को तोड़कर भाग रहे थे, तब उन पर गोली चलाई गई थी। इस घटना के कुछ घंटों के बाद एक आदमी नजीमाबाद के नज़दीक एक छोटी डिस्पेंसरी में अपनी नाक की चोट दिखाने के लिए गया था और उसने बताया था कि ये जो उसकी नाक है वो कुत्ते ने काट ली है, कुत्ते ने उसकी नाक को काट लिया है। लेकिन डिस्पेंसरी का कंपाउंडर जो है वो बहुत होशियार था और वो घाव देखते ही समझ गया कि ये कुत्ते के काटे का नहीं है, किसी भरुआ बंदूक के का जो है वो छर्रा इसके लगाया, यानी कि एक गोली मारी गई है जो छर्रा निकला है उससे वो इसकी नाक पे लगा है और ये उसी का घाव है। कंपाउंडर ने ये सूचना पुलिस को दे दी और स्टेट की पूरी पुलिस फोर्स किसी चोटिल नाक वाले व्यक्ति को ढूंढ रही थी। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सुल्ताना डाकू के गिरोह ने जो हत्याएं की थी उनमें से मैक्सिमम मर्डर बाबू और पहलवान ने, इन दोनों ने ही किए थे। और ये संभावना भी थी कि छापे के दिन जो गोली चली उसका जो छर्रा है वो बाबू या पहलवान इनमें से किसी एक को लगा हो सकता है, और हो सकता है ये दो व्यक्ति हैं, एक के छर्रा लगा है तो कहीं ये दोनों बाबू और पहलवान तो नहीं है, एक संभावना थी। जैसे ही फैली साहब ने ये सुना कि कोई चोटिल नाक वाला और उसके साथ एक अन्य आदमी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, तो एक क्षण की भी देर किए बिना वो तुरंत अपनी जगह से उठे, अपनी कार में बैठे और रेलवे स्टेशन की तरफ अपनी कार दौड़ा दी। फ्रेडी साहब ने कहा जाता था कि जब वो जल्दी में होते थे तो वो ये परवाह नहीं करते थे कि सड़क पे कितना ट्रैफिक है या सड़क कितनी चौड़ी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहता था। वो बहुत तेज़ी से कार चलाते थे, आज भी वो तेज़ी से कार चलाते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुँच कर सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि जितने एग्जिट पॉइंट थे, जितनी जगह निकलने की थी, सब जगह पे जो है आदमी लगा दिए, संतरी तैनात कर दिए। फिर टहलते हुए उन दोनों आदमियों के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं और बरेली से पंजाब जा रहे हैं। ये सुन के फ्रेडी साहब ने फिर उनसे अगला सवाल पूछा, वो पंजाब जा रहे हैं तो उन्होंने ये रेलगाड़ी क्यों पकड़ी जो मुरादाबाद तक आती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बरेली प्लेटफॉर्म पर दो गाड़ियां खड़ी थी और किसी ने उन्हें गलत गाड़ी में बैठा दिया। कुछ देर तक और बातचीत चलती रही तो फ्रेडी साहब को बातचीत के दौरान पता चला कि इन दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है और आगे पंजाब जाने के लिए उन्हें अगली सुबह तक गाड़ी का इंतज़ार करना है। तो फ्रेडी साहब ने उन्हें एक सामान्य एक इनविटेशन दिया, आमंत्रित किया कि वो दोनों फ्रेडी साहब के जो है मेहमान बने, उनके साथ चलें, उनके रहने खाने पीने की भोजन की सारा इंतज़ाम हो जाएगा, यहाँ स्टेशन में कहाँ रहेंगे। पहले तो थोड़ा वो हिचके, फिर उन्होंने इस निमंत्रण को, इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है साहब, आप जैसा आप ठीक समझें, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आप जो ठीक समझें।
अब वो दोनों लोग सैनी साहब की कार में बैठ गए। अब सैनी साहब भी कार को धीरे धीरे अपना चलाते रहे और बातचीत भी चलती रही, वो सवाल भी पूछते रहे और वो लोग भी फटाफट जवाब दे रहे थे, ये जो भी पूछ रहे थे फट से उसका जवाब इनको मिल रहा था, यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं रह रही थी। बातों का सिलसिला जारी था कि अचानक उन दोनों में से एक ने फ्रेडी साहब से पूछा कि साहब क्या यहाँ ऐसा रिवाज है कि रात के समय साहब लोग रेलवे स्टेशन पर घूमने आते हैं और यात्रियों को अपने साथ ले जाते हैं? ऐसे में तो स्टेशन पर छोड़ा गया यात्रियों का सामान चोरी हो जाता होगा। एक सामान्य सी बात उसने फ्रेडी साहब से पूछी। फ्रेडी साहब इस बात को जानते थे, उन्हें मालूम था कि वो जो ये काम कर रहे हैं वो कानूनी नहीं है, क्योंकि उनके पास वारंट नहीं था किसी को पकड़ने का या इनको पकड़ने का। उनके इस काम को तो गैर कानूनी और जोर जबरदस्ती द्वारा किया गया माना जाता कानूनी भाषा में, कि जोर जबरदस्ती की गई है और ये गैर कानूनी है। उधर मुरादाबाद जेल में सजा काट रहे सुल्तानपुर डाकू के गिरोह के जो अन्य सदस्य थे, अगर वो ये कह देते कि वो दोनों लोग इनके आदमी नहीं हैं तो ऐसे में तो फ्रेडी साहब के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। उनका डिवोशन हो सकता था, उनको ट्रांसफ़र हो सकता था, उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती थी कि एक सामान्य सिविलियन को आपने ऐसे कैसे परेशान कर लिया। फ्रेडी साहब के दिमाग में यही सब चल रहे थे विचार, और सोचते सोचते उनके वो अपने बंगले तक पहुँच गए, ये बंगला जहाँ पे वो रुके हुए थे। फ्रेडी साहब की एक विशेषता थी, फ्रेडी साहब को कुत्तों से बहुत लगाव था, बड़ा प्यार था, और कुत्ते भी फ्रेडी साहब से बहुत प्यार करते थे। सुल्ताना डाकू का कुत्ता भी फ्रेडी साहब के साथ बहुत हिलमिल गया था और वो एक तरह से उन्हीं का हो गया था, उसे बहुत प्यार मिल रहा था और वो भी फ्रेडी साहब को बहुत प्यार दे रहा था। और जैसे ही कार के रुकने की आवाज़ आई तो कुत्ता बहुत तेज़ी से बंगले से बाहर निकला और फ्रेडी साहब के ऊपर अपनी खुशी जाहिर करने लगा, लिपटने लगा, चाटने लगा, फिर उन दोनों व्यक्ति के पास पहुंचा, उन्हें सूंघा, फिर उनसे भी लिपटने लगा और उन पर उछलने लगा और खूब उनको चाटने लगा, प्यार करने लगा, जैसे मतलब क्या कहूँ, पहचान गया हो। कुछ क्षण तो तनाव का माहौल बन गया और ऐसे तनाव के माहौल में फ्रेडी साहब और वो दोनों लोग जो है वो एक दूसरे को देखने लगे, यार ये मतलब ये हो क्या रहा है। तब भी उन दोनों में से एक आदमी जिसका नाम पहलवान था वो नीचे झुका और उसने कुत्ते को ऐसे थपथपा कर प्यार करने लगा और फिर फ्रेडी साहब की ओर देखकर बोला, साहब अब इस ईमानदार गवाह के सामने हम ये कैसे कह दें कि हम वो नहीं हैं जिन्हें आप तलाश कर रहे हैं, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूं साहब कि मैं पहलवान हूं और ये बाबू है, क्योंकि साहब अब छुपने छुपाने या झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस कुत्ते ने हमें पहचान लिया है और इससे बड़ा ईमानदार कोई दूसरा हो नहीं सकता। दोस्तों, समाज का एक तकाजा होता है कि अपराधियों से उनकी समाज की रक्षा की जाए। सुल्ताना डाकू भी एक अपराधी था, इस देश के कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी पाया गया और 7 जुलाई 1924 को उसे फांसी दे दी गई, 7 जुलाई 1924 को, जबकि जो गैंग के अन्य 40 लोग थे उन्हें काला पानी की सजा हुई। यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि माना सुल्ताना एक अपराधी था, एक डाकू था, लेकिन वो फिर भी उस छोटे आदमी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते जिसने 3 साल तक सरकार की ताकत को 0 बना के रखा और जिसने अपने बहादुरी से भरे हुए जो आचरण थे उससे उन लोगों से भी इज्जत पाई जो उसके पहरेदार थे, यानी कि उसके जो गार्ड थे, जो जेल के कर्मचारी थे, वो भी उसे सम्मान देते थे और उसकी इज्जत करते थे। कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि काश कानून की ये मांग ना होती कि सुल्ताना डाकू को हथकड़ी और पग बेड़ियों में जकड़ कर लोगों को दिखाया जाए और वो लोग उसकी हंसी उड़ाए
जो लोग एक समय में उसके नाम से खौफ खाते थे, ना सिर्फ खौफ खाते थे बल्कि डर से कांपने लगते थे। तो इतना उसका वो था, वो उसकी हंसी उड़ाई, ये इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। काश उसे जो है कोई हल्की किस्म की सजा सुनाई जाती जिससे वो अपने आगे की ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता सके, आगे का भविष्य अच्छा कर सके अपना अपने परिवार का। सुल्ताना डाकू के नाम के साथ अपराधी होने का ठप्पा तो उसके जन्म से ही लग गया था, क्योंकि जिस जनजाति में वो पैदा हुआ था उस जनजाति को सरकार ने पहले ही अपराधी वर्ग में रखा था, और ये पूरी जनजाति को एक नजीबाबाद में एक किला था जिस किले में बंद करके रखा था। हालांकि जब उसके हाथ में ताकत थी तो उसने कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया, किसी को दबाया नहीं। जब जिम कॉर्बेट साहब, विंडहम साहब और फ्रेडी साहब उसके निशाने पर थे तब भी उसने फायर का आदेश नहीं दिया, इन तीनों की जान बख्श दी थी। उसने कभी किसी महिला के साथ किसी तरह की अभद्रता कभी नहीं की, हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया था। इसके अलावा जब वो फ्रेडी साहब से मिलने के लिए गया था तो कोई चाकू या कोई रिवॉल्वर या आसपास अपने आदमियों को लेकर नहीं गया, बल्कि एक तरबूज लेकर के गया था जो उसने गिफ्ट किया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम का इस तरह से अंत हुआ, लेकिन कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो सुल्तान नाकू के प्रति आप लोगों की भावनाएं बदल देंगी। देखिए, सुल्तान नाकू बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह था। ये बात बोलने में किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति या हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जो आदमी आप या मैं ही हूं, अगर हमको जो है हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी जाति या हमारे धर्म पर ठप्पा लग जाए कि नहीं ये अपराधी है, और हमारे पूरे मतलब उसको बिरादरी से लेकर सबको जो है ठूस दिया जाए किसी किले के अंदर, तो जो पैदा हुआ बच्चा है वो तो ऑलरेडी तो क्या मतलब उसके अंदर क्या फीलिंग आएगी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ वहाँ से निकल के भागा तो उससे कहा ठीक है भैया, हम अगर अपराधी हैं तो अपराधी सही, अगर हमें जो है अपराधी ही मान लिया है। तो क्या दोस्तों, क्या अंग्रेज सरकार की ये अपराधी जाति घोषित करना उचित था? क्या कोई जन्म से अपराधी होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। मुझे सुल्ताना डाकू के प्रति सिंपैथी हो रही है। मैं नहीं जानता कि आप लोग उसे खतरनाक खूंखार डाकू मानेंगे या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला एक क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को लूटता था, रईसों को लूटता था, अंग्रेजों के चमचों को लूटता था, जो राय बहादुर बन जाते थे उनको लूटता था। खैर, जिम कॉर्बेट साहब के और भी कई अनसुने किस्से और कहानियां हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल में हाजिर हुए हैं, माफ़ करना पहली बार आए हैं, उन सब से मैं थैंक यू बोलता हूँ, का शुक्रिया अदा करता हूँ अगर उन्हें सुल्ताना डाकू की कहानी पसंद आई हो। बाकी और भी एपिसोड इसके देखें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और जो मेरे पुराने मित्र हैं उन सबको हमेशा की तरह मेरा प्रणाम और शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं कि उत्तरांचल डायरीज़ आगे बढ़ रहा है। थोड़ी दिक्कत चल रही है मोनेटाइजेशन की, वो कुछ एडसेंस वगैरह होता है वो मुझे आ नहीं रहा करना, एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन एडसेंस अकाउंट का मैं आके सुई अटक जा रही है और वो मुझे आ भी नहीं रहा करना कैसे होता है क्या होता है। किसी मित्र को आता हो तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, मेरा नंबर नोट कर लें, 7 0 6 0 1 8 4 8 4 5। दोस्त, अगर कोई मेरा एडसेंस अकाउंट वाला काम मेरा करा दे तो मैं ज़िंदगी भर उसका फ़ोटो अपने मंदिर में रखूँगा, मंदिर मतलब मेरे दिल में, और रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले उससे थैंक यू कहूँगा। कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं उसको ज़रूर प्रमोट करूँगा।
कि इसके वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ सीखना है तो उससे सीखें, बस मेरी हेल्प करा दो, इतनी सी दुआ है, प्रार्थना है। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और आपसे बाय बाय करता हूँ, परमिशन चाहता हूँ अभी चलने की, दोस्तों आज्ञा दीजिए। एक मिनट, इसके बाद मैं आपको एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाने वाला हूँ अगले वीडियो को, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको वो खत सुनाने वाला हूँ जो जिम कॉर्बेट साहब और उनकी बड़ी बहन मैगी ने नॉर्वे से लिखे थे इंडिया, अपने दोस्तों को जो उत्तरांचल के उनके दोस्त थे, उन खतों को मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उनकी कुछ प्रतियाँ मुझे मिली हैं, तो अगले वीडियो में आपको सुनाऊँगा, तो वो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल आज्ञा दीजिए, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।